But I'm wondering, are there elements within that movement that have stepped outside of that and said, well, we're just going to take advantage of the situation and make ourselves some money? To what extent has it become thuggish as opposed to ideologically motivated? Okay. Like you have rogue policemen, you have rogue politicians, now you're talking about rogue rebels. They do exist. There's no doubt about that. But they do not exist in, they exist in pockets. They exist in relatively minimal numbers, which I would write off to basically being the human condition. I mean, they're by their definition, they have bad people as well. We need a new definition of development. Is it possible, or are we on a one-way train going towards, as you say, Sarvanash? Or is it possible to get off the train and take stock and really transform how we think? बिल्कुल ठीक बात है. मुझे सेवाग्राम में एक बहुत पुराने बूढ़े गांधीयन मिले और उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है. उन्होंने दो चीज़ें कहीं. एक तो मैं बॉम्बे में भाषण दे के निकला, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कि तुम्हारा डेमोक्रेसी में यकीन है या नहीं. अब मैं डर गया क्योंकि वो मेरे पिताजी के दोस्त हैं. पिताजी ने हमारे गांधी जी के साथ काम किया है वो भी. तो मैंने कहा कि ये शिकायत करेंगे कि तुम्हारा लड़का आजकल बहुत रेडिकल लेक्चर्स देता है. तो मैंने कहा जी बिल्कुल है. बोले मेरा नहीं है. और फिर वो मुझे सेवाग्राम में मिले और उन्होंने कहा भाई ऐसा है, जिस डेवलपमेंट में से इतना वायलेंस निकल रहा हो, अच्छा है कि अभी उसे रोक दो. पड़ा रहने दो मिनरल्स को जमीन के नीचे, कम से कम आदिवासी खेती करके खाएंगे तो सही. नहीं करो डेवलपमेंट, जैसे हैं वैसे ही रहें हम सब लोग. तो एक तो चीज यह है कि हमें यह मानना पड़ेगा कि यह जो डेवलपमेंट का तरीका है, यह रहेगा नहीं, यह आत्मघाती है, यह डेवलपमेंट बच ही नहीं सकता. इसीलिए हमें लगता है कि यह बात ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आनी चाहिए. इसलिए हम साइकिल उठा के घूम रहे हैं कि लोग समझें तो सही कि यह डेवलपमेंट रहेगा ही नहीं, इसके पेट में ही इसके विनाश के बीज मौजूद हैं. तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे समझ बढ़े इस बारे में. एक मुझे रास्ते में एक डिग्री कॉलेज में, MSW कॉलेज था, उसके जो रजिस्ट्रार थे वहाँ की एक प्रोफेसर ने मेरा लेक्चर रखवा और वो डर रही थी कि रजिस्ट्रार नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि मुझे ये माना जाता है कि मैं बड़ा नक्सलाइट को सपोर्ट करता हूँ. बहुत से लोग कहते हैं मैं जस्टिफाई करता हूँ. तो उन्हें डर लग रहा था. लेकिन खैर वो बोले मेरे बाद और उन्होंने कहानी सुनाई. उन्होंने कहा कि एक गांव था और उस गांव, वो पहाड़ के नीचे बसा हुआ था और उस पहाड़ की वजह से उस गांव में सूरज की रोशनी नहीं आती थी. और एक दिन एक बूढ़े ने कुल्हाड़ी लेकर उस पहाड़ को काटना शुरू कर दिया. लोगों ने कहा कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो, तुम कितना पहाड़ काट पाओगे, तुम्हारी जिंदगी कितनी बची है. तो उसने कहा मैंने शुरू किया है, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, नस्लें हैं, वो इसको काटेंगी और एक दिन ये पहाड़ कट जाएगा और रोशनी आएगी यहां तक. शुरू करें, लेट अस गो टू द मासेस, बात शुरू करें. आज के नौजवानों को पता ही नहीं है, नौजवान छोड़िए मिडिल क्लास को पता ही नहीं है कि वायलेंस की वजह क्या है और इसका हल क्या है. वो यही कहते हैं कि ज्यादा पुलिस भेज दो, ज्यादा हथियार भेज दो, खत्म कर दो, मार दो. जो हिंसा कर रहा है, जो वायलेंस कर रहा है, उसको मार दो. हम कोशिश कर रहे हैं कि नौजवानों के बीच बात करें, समाज में बातचीत शुरू हो, समझ बढ़े कि आखिर वायलेंस शुरू कहां से हो रहा है. और अगर समझ बढ़ गई, समझ बन गई, तो शायद फिर सब लोग बदल डालें इस दुनिया को, इस जमाने को, और एक दिन ये पहाड़ कट जाए और रोशनी आ जाए.